साथियों, पीकेएस एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और शुरू करने के पहले मैं आज का ये वीडियो नवांश चार्ट के ऊपर निर्भर है। जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में नवांश चार्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो हर जगह, हमारे पुराने जितने भी एस्ट्रोलॉजी के विद्वान रहे हैं पुराने जमाने के, सबने नवांश चार्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और किस तरह से ये लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो शुरू करते हैं लाइफ के एस्पेक्ट में। मेन राशि चार्ट के अलावा नवांश चार्ट का भी काफ़ी योगदान है, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी प्रेडिक्शन करने के पहले हम डायरेक्ट जो राशि चार्ट से बता देते हैं वो ठीक नहीं है। अगर एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए नवांश चार्ट का कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत से लोगों का मत है, बहुत से विद्वानों का ये मत है कि नवांश चार्ट में जो स्टार्स का पोजीशन होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनके एक रिजल्ट के रूप में वो जो नवांश चार्ट के जो ग्रह होते हैं उनकी पोजीशनिंग होती है। और हमारे लाइफ में नवांश चार्ट के बिना हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बहुत से विद्वानों का मत है कि मैरिटल लाइफ में नवांश चार्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी वास्तव में देखा जाए तो शादी के बाद शुरू होती है। और इसलिए शादी के बाद के जो लाइफ है उसके लिए नवांश चार्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, नवांश चार्ट में उसके परिणाम को देखने के लिए हमें नवांश चार्ट का पहला घर, उसका सातवां घर और उसका चौथा घर भी देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। बेसिकली जो कि नवांश चार्ट मैरिज से संबंधित है, तो नवांश चार्ट का पहला हाउस और सेवेंथ हाउस और उसमें प्लेस किए हुए जो स्टार्स हैं, उनके ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो देखना भी जरूरी होता है। अगर मल्टी प्लैनेट जैसे कि सैटर्न या राहु ये ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट हाउस को या सेवेंथ हाउस को, तो ये मैरिज के हिसाब से इसको ठीक नहीं माना जाता है। उसी हिसाब से फोर्थ हाउस जो कि राशि चार्ट में शुक्र का घर माना गया है, लेकिन अगर नवांश चार्ट का फोर्थ हाउस शादी से या मैरिटल लाइफ के सुख को डिनोट करता है, उसी तरीके से अगर फोर्थ हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है बैठता है, ऑक्यूपाई करता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके अलावा ऐसे प्लैनेट्स जो कि मैरिटल लाइफ, जो मैरिटल ब्लिस को प्रॉस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि जुपिटर और वीनस, इनकी पोजिशनिंग नवांश चार्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए दूसरे वीडियो का इंतजार करेंगे। थैंक यू। Thank you.